अगर आप भी प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार कर रहे हैं और आपका टेस्ट हर बार नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपके दिल और दिमाग से प्रेगनेंसी का डर नहीं निकल रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने दिल और दिमाग से प्रेगनेंसी का डर कैसे ख़त्म कर सकते हो और प्रेगनेंसी का 100% कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेगनेंसी का डर है, इसके होने के काफ़ी सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपका प्रीवियसली फिजिकल रिलेशन हुआ हो और उस फिजिकल रिलेशन को महीने गुजर गए हों, लेकिन अब आपके जो पीरियड्स हैं, जब वो आए या तो वो टाइम से पहले आ गए या फिर वो 3-4 दिन या डिले होकर आए, और जब ये पीरियड्स आए तो पीरियड्स की ब्लीडिंग में वेरिएशन था, मतलब कि या तो पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत तेज़ हुई होगी या बहुत कम हुई होगी या उसमें चेंजेस था, हो सकता है कि उसमें क्लॉट्स पास आउट हुए हों और आपको डाउट हो कि ये आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, या हो सकता है कि ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग है, या हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपके शरीर में प्रेगनेंसी के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हों लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर में प्रेगनेंसी के 1-2 लक्षण दिखाई दे रहे हों और आप इस बीच प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन आपको इन बातों की वजह से इस बात का डर है कि कहीं आगे जाकर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये पॉजिटिव ना आ जाए। तो आपकी कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशन, इस वीडियो में हम लोग इस कंडीशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी का 100% कन्फर्मेशन कैसे करोगे और ये जो प्रेगनेंसी का डर है इसको कैसे निकाल कर बाहर फेंकोगे। अब देखो, ये जो प्रेगनेंसी का डर है इसको हम लोग टोकोफोबिया बोलते हैं। ये जो टोकोफोबिया है ये मैरिड लोगों को और अनमैरिड कपल्स को तो सबसे ज़्यादा होता है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जो मैरिड लोग हैं इनके तो अलग ही इश्यूज होते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं खासतौर पर महिलाएं, उनको टोकोफोबिया प्रेगनेंसी का डर इस वजह से होता है कि कहीं उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो लेवर पेन को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे सहन करेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है या फिर उनको कॉम्प्लिकेशन, उनको प्रॉब्लम इतनी होती है कि उनके दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है कि उनके साथ कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए आगे जाकर। और अनमैरिड लोगों का तो कहना ही क्या है, अगर आप एक अनमैरिड हैं, कपल हैं, फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी बाद में पता लगेगी तो आपको आगे कितने जवाब देने पड़ेंगे। अगर लोगों को ये पता लगेगा, अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दोगे, लोगों को क्या जवाब दोगे, आप कैसे ये चीज़ें हैंडल करोगे। कई लोगों को तो ये होता है कि कहीं आगे जाकर प्रेगनेंसी का पता लगा तो इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कैसे करेंगे या फिर इस बच्चे को कंटिन्यू कैसे रखेंगे, तो ये सब सोच सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग इंटरनेट पर जाकर इतनी सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने दिमाग में भर लेते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। उदाहरण के तौर पर मान के चलो कि आपका फिजिकल रिलेशन हुआ और आपने बिल्कुल सही पीरियड की डेट मिस होने के बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आ गया और आप एकदम रिलैक्स हो गए कि टेस्ट नेगेटिव है, अब प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन फिर आपके दिमाग में कीड़ा उठा और आपने रिसर्च करी और आपने पाया कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये तो गलत भी हो सकता है या ये कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसा कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में होता है, या फिर अगर आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपको पीरियड्स भी आ गए लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस था, आपको ब्लीडिंग कम हुई या ज़्यादा हुई, या पीरियड 1-2 दिन पहले आ गया या ज़्यादा आ गया, पीरियड आ गया और उसके बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया, एक बार तो रिलैक्स हो गए लेकिन फिर रिसर्च करी तो पाया कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी में या क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आगे जाकर पॉजिटिव आता है, तो फिर टेंशन हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करने के बाद उनका दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद अगर उनके सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, वाई डिस्चार्ज हुआ,
ब्रेस्ट में दर्द हुआ, तो वो डायरेक्ट इस चीज़ को अपनी प्रेगनेंसी से लिंकअप कर देते हैं। प्रेगनेंसी ना होने के बाद भी वो बार बार इस प्रेगनेंसी को सोचते रहते हैं, जो कि एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी मानसिकता है जिसे हम लोग सूडोसाइसिस बोलते हैं, जो अपने आप में ही खतरनाक है। ये तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है कि एक डॉक्टर के लिए भी पेशेंट को समझाना कि भाई आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, दे प्रेगनेंसी टेस्ट। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी को पता लगाने का सबसे एडवांस टेस्ट, जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट, उसको भी करा लेते हैं, उससे भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो इतना सब कुछ तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आप प्रेगनेंसी का 100% कन्फर्मेशन कर सकते हैं। अब पूछोगे सर वो कैसे, सपोज करो आप, ठीक है, अब आपने जो लास्ट बार फिजिकल रिलेशन है वो किसी भी मंथ की 1 तारीख को बनाया, अब आपने जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, जिस दिन आपने फिजिकल रिलेशन बनाया उससे आपको 14 दिन के बाद करना है। अगर 14वें दिन पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रेगनेंसी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में या फिर डिलेड कंसेप्शन में जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो देरी से पॉजिटिव आता है। तो देखो ये सभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो देरी से पॉजिटिव तो आता है लेकिन पीरियड्स की डेट मिस होने के बाद। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पीरियड्स की डेट मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपने लास्ट बार फिजिकल रिलेशन बनाया था उस दिन से आपको day 14 पर एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आप पानी ज़्यादा पी लेते हो या आपने एक लोकल ब्रांड टेस्ट कार्ड यूज़ किया है या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर बीटा एचसीजी जो वैल्यू है, जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन है, उसकी वैल्यू कम है, तो आपको day 14 पर एक फेंट लाइन दिखाई दे सकती है जिससे आप पजल हो सकते हो कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। अब इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए आप day 21 पर 21वें दिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। पर अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है, चाहे आपकी कंडीशन कोई सी भी हो, चाहे वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के रिगार्डिंग हो, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, डिलेड कंसेप्शन हो, आपके जो पीरियड्स विड्रोल ब्लीडिंग के कारण आए हो, या फिर आपके जो पीरियड्स हैं किसी मेडिसिन के कारण आए हो, या फिर आपको कोई हॉर्मोनल इश्यूज है, PCOD है, थायराइड की दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो गलत आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना, day 21 पर एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दिन में कभी भी कर लेना। कभी का मतलब कभी भी, सुबह खाली उठकर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में कभी भी कर लो। टेस्ट अगर आपका नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि आपको 100% कन्फर्मेशन के साथ किसी भी टाइप की कोई प्रेगनेंसी नहीं है। अब कई लोगों के दिमाग में कीड़ा उछल रहा होगा कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो देखो अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर 21वें दिन पर आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको कुछ अलग टाइप का रिजल्ट मिल रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो या तो आप ऑनलाइन मुझसे बात कर लेना कंसल्ट करके, अपॉइंटमेंट बुक करके, या अपने नियरेस्ट किसी भी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवा लेना, सीरम बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट में बीटा एचसीजी की वैल्यू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो आपको 101% किसी भी टाइप की कोई प्रेगनेंसी नहीं है। इसके अलावा आप day 21 पर एक अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अब कुछ गिने चुने लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग से, दिल से प्रेगनेंसी का डर नहीं निकल रहा होगा, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो उनको समझ आ गई हैं, उनको ये भी पता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन दिल और दिमाग इस बात को मानना चाहता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप काउंसलिंग ले सकते हो या फिर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो अपनी एंजाइटी को, अपनी घबराहट को कम करने के लिए। आप ये भी कर सकते हो कि
आपने जितने भी डाउट्स हैं, बातें हैं, उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, आप उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो बात करके। दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि इस फील्ड में जिनको ज़्यादा नॉलेज है, डॉक्टर हैं कोई या फिर मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। तीसरा काम आप ये कर सकते हो जिसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को, जो जो आपने फेस करी है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में वो सारी प्रॉब्लम लिखना। अब उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो फ़ायदा आपको होगा और एक लोगों को भी होगा। फ़ायदा आपको ये होगा कि जब लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एडवाइस वो अपनी तरफ से देंगे। दूसरा फ़ायदा लोगों को ये होगा कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो खुद को भी देखेंगे कि कहीं उनको ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है और आपने कैसे डील किया इन सारी प्रॉब्लम को, तो वो खुद को आपसे रिलेट करेंगे। अगला काम ये कर सकते हो कि मान लो इतना सब करने के बाद भी आपकी जो एंजाइटी है, आपका डर अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखा सकते हो। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन को कम करने में, एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल होती हैं, तो आप उनसे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग डाउट है या आप उसको समझना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी क्या है और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, देन मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।